हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी समाजशास्त्र की कक्षा में। आज हमारे अध्ययन का बिंदु रहेगा मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियाँ। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के संस्थापक समाजशास्त्रियों में से एक हैं। आज हम उनके द्वारा समाजशास्त्र के साहित्य में जो सहयोग दिया गया, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का, उनके बारे में मैं आपका परिचय कराऊंगा उनसे। मैक्स वेबर की सभी रचनाएं जर्मन भाषा में लिखी हुई हैं, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद एवम अर्थ मार्टिनडेल पार्सन्स, मेरी इलफोर्ड, शील्स, हेनरी फिंच, जरोन आदि विद्वानों के द्वारा किया गया। वेबर की रचनाएं उनके अद्वितीय बौद्धिक व्यक्तित्व की परिचायक हैं। भौतिक शास्त्र में जो स्थान न्यूटन और आइंस्टीन का है, अर्थशास्त्र में जो स्थान मार्शल और कीन्स का है, मानव शास्त्र में जो स्थान मैलिनोवस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन का है, वही स्थान समाजशास्त्र में मैक्स वेबर को प्राप्त है। तो चलिए हम उनके द्वारा लिखी हुई किताबों पुस्तकों के बारे में यहाँ जानते हैं। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वेबर की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी कृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1906 में हुआ। पार्सन्स ने इसका अनुवाद जर्मन भाषा से अंग्रेजी में किया। इस पुस्तक में वेबर ने यूरोपीय एवं अमेरिकन समाज के अपने गहन अध्ययन और अनुभवों को संजोया है। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के कारण आधुनिक पूंजीवाद जन्म ले चुका था। इसी पूंजीवादी व्यवस्था ने प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था। इसी समय यूरोप में मार्क्स के धर्म विरोधी विचारों ने भी हलचल पैदा कर रखी थी। वेबर ने अपनी इस रचना में पूंजीवाद और धर्म, इन दो प्रमुख मुद्दों पर विवेक सम्मत विचार व्यक्त किए तथा इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया। उनका मत है कि आधुनिक पूंजीवाद को जन्म देने में प्रोटेस्टेंट धर्म में पाई जाने वाली आचार संहिता का विशेष योगदान रहा है। यही कारण है कि जब यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो आधुनिक पूंजीवाद नहीं पनप सका। उन्होंने दुनिया के 6 महान धर्मों हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस एवं यहूदी का अध्ययन करके यह बताया कि इन धर्मों के आचार आधुनिक पूंजीवाद के पक्ष में नहीं है, केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही वे बातें हैं। जैसे कार्य ही पूजा है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है, धन से धन कमाया जाता है आदि, जो पूंजीवाद के विकास में योग देती हैं। धर्म को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के एक चर के रूप में स्वीकार किया था। उनकी अगली पुस्तक है धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। इस कृति का अनुवाद कर्त एवं मार्टिनडेल ने जर्मन भाषा से अंग्रेजी में किया। दुर्भाग्यवश उनकी यह कृति उनके जीवन काल में पूरी नहीं हुई थी। इस कृति में उन्होंने हिंदू धर्म, चीनी धर्म तथा यहूदी धर्म एवं आर्थिक व्यवस्था के बीच संबंधों का उल्लेख किया। उनकी इस कृति को 3 अलग अलग ग्रंथों में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित कराया गया। वे ग्रंथ थे द हिंदू सोशल सिस्टम, द रिलीजन ऑफ चाइना, द एनिशियंट जुडाइज्म। इनकी अगली कृति द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वेबर की इस कृति का जर्मन भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद हेंडरसन तथा पार्सन्स ने किया और सन 1947 में इसे प्रकाशित करवाया। यह पुस्तक मूल जर्मन भाषा में इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम से लिखी गई थी तथा वेबर ने इसमें अपने समकालीन प्रमुख समाजशास्त्रियों के कुछ निबंधों का संकलन करने की योजना बनाई थी। इस पुस्तक के द्वितीय खंड में वेबर ने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कम्युनिटीज, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, सोशियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन,
पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ मार्केट आदि अध्यायों की रचना की थी। इनकी अगली कृति है एसेज इन सोशियोलॉजी। इस कृति का जर्मनी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद गर्त एवं मिल ने किया और सन 1946 में इसे प्रकाशित कराया। इस पुस्तक में बेबर द्वारा धर्म के समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों पर लिखे गए निबंधों का संकलन है। इनकी जो अगली कृति है वो है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। बेबर की इस कृति का अनुवाद शील्स तथा फिंच ने किया और सन 1946 में से प्रकाशित करवाया। बेबर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं पृथक विज्ञान का दर्जा दिलाना चाहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने कई समाजशास्त्रीय लेखों द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कृति में इन्हीं सभी लेखों का संपादन बेबर ने किया था। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं बेबर की अन्य रचनाओं में जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द सिटी, द नेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक आदि भी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। द सिटी का लेखन बेबर ने 1911 से 1913 के बीच किया था, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1921 में उनकी पत्नी मेरियम ने करवाया था। इसमें बेबर ने पाश्चात्य नगरों के ऐतिहासिक विकास एवं महत्व का उल्लेख किया तथा नगर की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासकीय एवं वैधानिक व्याख्या प्रस्तुत की। इनके अतिरिक्त बेबर के कुछ निबंधों का संग्रह दो पुस्तकों में भी किया गया है। वे हैं फ्रॉम मैक्स बेबर एसेज इन सोशियोलॉजी 1946 तथा मैक्स बेबर इन द मेथडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज 1946। तो ये मैक्स बेबर की प्रमुख कृतियाँ थी जिसका अध्ययन आज हमने किया। धन्यवाद।